ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज एडम गिलक्रिस्ट का मानना है कि चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जैसे बड़े मैचों में पहले बल्लेबाजी करना सही विकल्प होता है। गिलक्रिस्ट मैच का सिर्फ टॉस ही देख पाए, लेकिन उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की अतीत की टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद करती है। सपाट पिच पर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करके विराट कोहली के फैसले का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि विराट ने कुछ गलत नहीं किया। हालांकि उन्होंने इशारों में यही सीख दी कि विराट को पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। भारत में ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा एम्बेसडर गिलक्रिस्ट ने कहा, पर्थ से विमान से रवाना होने से पहले मैंने टॉस होते हुए देखा। मेरा और ऑस्ट्रेलिया टीम का स्वाभाविक झुकाव पहले बल्लेबाजी करने और बड़ा स्कोर बनाकर दबाव डालने पर होता। हालांकि अगर अधिकांश मैच लक्ष्य का पीछा करते हुए जीते गए, जैसा कि इस टूर्नामेंट में हुआ, तो आप पहले गेंदबाजी के फैसले की आलोचना नहीं कर सकते। भारतीय टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए सहज थी और लक्ष्य का पीछा करते हुए अच्छा प्रदर्शन किया था। आप इस फैसले के लिए उनकी आलोचना नहीं कर सकते। शतक जड़ने वाला फखर जमान नो बॉल पर कैच हो गया, अन्यथा ये मामला अलग होता। उधर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज माइकल हसी का मानना है कि कमजोर मानी जा रही पाकिस्तान की टीम अपने खेल के शीर्ष स्तर पर पहुंची और भारत के खिलाफ फाइनल में अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता।